आजा बेटा। हेलो गाइस, आज मेरा बर्थडे है और इस बर्थडे हम लोग अलग करने वाले हैं, क्योंकि हर बर्थडे जितना बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया पिछला सारे बर्थडे में हम लोग डेकोरेशंस वगैरह करके वो सब मनी वेस्ट करते थे। तो इस बार हमने सोचा कि ना इस बार थोड़ा अलग करे, तो इसके लिए आज हम लोग ने थोड़ा सुबह सो के उठते तभी हम लोग प्लान करते क्या क्या लेना है, क्या कैसे कैसे करना है, सब कुछ खाना वगैरह राशन वगैरह पहले ले लेते हैं। राशन वगैरह लेने के बाद हम लोग निकल जाते हैं वहां पे जहां के लिए आज हमें जाना था। तो इसके लिए हम लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे और आज तो सुबह सो के उठा तो मेरा दिन ही नहीं निकला था कब शाम होगा कब हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो जैसे शाम होती फिर हम लोग निकल जाते हैं यहाँ पे, तो हम लोग को थोड़ा जल्दी जाना था बट बारिश की वजह से और थोड़ा फेस्टिवल भी है, गणेश चतुर्थी है, तो उसकी वजह से थोड़ा रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, इसके लिए थोड़ा सा लेट हो गया। बट मैं जब वहां पे पहुंचता हूँ तो बच्चे लोग केक वगैरह लेके मेरा वेट करते हैं, मेरी आरती करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ केक सेलिब्रेट कैसे करते हैं बच्चे लोग के साथ हम लोग वहां पे, आइए उनकी आवाज में सुनते हैं। तो अभी केक वगैरह कट करके हो गया गाइस, मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे, इतना अच्छा लगा आगे रंग मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो हमने सारे बच्चों के लिए खाना वगैरह सब कुछ का एक किया हुआ था, खाना वगैरह सब कुछ मंगाया हुआ था, हमने उनको अपने हाथों से खिलाया खाना, सारा कुछ सर्व किया हमने अच्छे से, और हमारी पूरी फैमिली भी यहाँ पे आई हुई थी तो लोग भी इतना खुश हुए, सब लोग देख के इतना खुश हुए। वहां पे आने के बाद गाइस तो आप सब कुछ भूल जाओगे, सिर्फ बच्चों को देखोगे, बच्चों के बारे में जानना चाहोगे। तो पहले मैं उन लोगों को खाना वगैरह खिलाता हूँ और बच्चे लोग को मैं आपको एक चीज और दिखाने वाला हूँ गाइस। तो बच्चे इतनी डिसिप्लिन है कि बिना कुछ सारा कुछ सर्व किए, बिना प्रेयर्स किए खाना भी नहीं खाते बच्चे। तो मैं आपको वो सब भी सुनाने वाला हूँ, बच्चे लोग प्रेयर्स वगैरह कैसे करते वो सब भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आइए मैं आपको सुनाता हूँ। उसके पहले मैं आपको मिलाता हूँ सलमान खान से। हमारे सलमान खान है वो स्पेशल चाइल्ड है, वो बात नहीं कर सकते, मैं आपको उनसे मिलाने वाला हूँ। और जब हम उनसे बात करते हैं, हमारी मैडम उनसे बात करते हैं तो कैसे बात करते हो, क्या बताते हैं अपने बारे में, मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ। आई पहले मैं आपको मिलाता हूँ हमारे सलमान खान से। आप मिली, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलके, बहुत अच्छा बच्चा है भाई, मुझे तो बहुत सबसे क्यूट वही लगा। जब पूजा उनसे बोलते कि आप सलमान खान हो तो गणेश भगवान की साइड इशारा करते कि हम गणेश भगवान का आगमन करने वाले, उनको बुलाने वाले हैं यहाँ पे, उनके लिए सारी तैयारी वगैरह किए हुए हैं और काफी अच्छा डेकोरेशन है। सारा कुछ डेकोरेशन जो है बच्चे लोग ने ही किया हुआ है, मैं ये सब बच्चे के बारे में आपको बताने वाला हूँ सारा इस वीडियो में। और अभी तो हम लोगों को खाना वगैरह सर्व करे, सारा खाना वगैरह सर्व करके फिर प्रेयर्स वगैरह करके फिर खाना स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी बच्चे 6 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चे हैं, जो बच्चे छोटे वो सारे बच्चे स्कूल से आते हैं और सिर्फ एक सलमान खान को छोड़ के बाकी सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। और हमें आने में भी थोड़ा लेट हो गया था इसलिए मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि बच्चे को थोड़ा लेट हो रहा था सोने के लिए क्योंकि सुबह का उनका स्कूल रहता है। तो मैं फटाफट कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी खाना वगैरह खिला दूं उन लोग को, खाना वगैरह खिला के सोने दूं उन लोग को ताकि सुबह उठने में उनको कुछ तकलीफ ना हो। उससे सॉरी भी बोलता हूँ क्योंकि हम लोग को आने में लेट हो गया है उसके लिए। और बाकी की इतने डिसिप्लिन बच्चे तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था गाइस, और इतने डिसिप्लिन, इतने अच्छे बच्चे, इतने शांति से बैठे हुए हैं। देखिए हमारे घर के बच्चे रहते तो अब तक टेस्ट कर लिए होते, बट ये सारे बच्चे कितने शांति से बैठे हुए हैं, कितने आराम से बैठे हुए सारे बच्चे, कितने अच्छे बच्चे हैं। मैं आपको वर्ड में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कितने अच्छे बच्चे, मुझे यहाँ पे आके कैसा लगा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मैं आपको सारे बच्चे के बारे में भी बताने वाला हूँ, कौन बच्चे कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, वो सभी मैं उनकी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं सब 6 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चे हैं यहाँ पे। और जो बच्चियां बड़ी हो गई हैं गाइस, वो तो इस बार राखी में 6,500 की राखी बना के सेल भी की है, वो लोग ने अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो ये सब भी सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके वो कर रहे हैं। तो आइए अभी खाना वगैरह सर्व करके होकर पहले मैं बच्चों का प्रेयर सुना दूं मैं आपको। Yeah.
तो देखिए गाइस, कितना अच्छा संस्कार दिया गया है इनको, इन बच्चों को। ऐसा संस्कार तो हम लोग घर पे भी नहीं दे सकते, चाह के भी नहीं दे पाते अपने बच्चों को। बट यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे कम से कम 43 बच्चे हैं टोटल, और बहुत अच्छे बच्चे, जितने बच्चे सबको इतना अच्छा संस्कार दिया गया है। 6 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चे हैं यहाँ पे। अभी देखिए प्रेयर्स वगैरह करने के बाद ही वो लोग अपना खाना स्टार्ट किए हैं। और यहाँ की एक और अच्छी बात बता दूं मैं आपको, ये जो आश्रम चला रहे उनसे मैंने जब बात किया तो उन्होंने बताया, सर मैं 18 साल हो गए, मेरा 19वां साल रनिंग है। और जो बच्चे यहाँ से बड़ी हो गई, जिनकी शादियां कर दी गई, वो अभी अभी अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, कुछ कुछ तो बच्चे भी हो गए, वो लोग भी अभी आते हैं हर फेस्टिवल, हर दिवाली पे आते हैं, बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, वहां के जो सर है उनसे मिलने के लिए आते हैं। जब उन्होंने ये सब बताया मुझे, मुझे और अच्छा लगा। मैंने भी डिसाइड कर लिया गाइस, अभी जो भी फेस्टिवल रहेगा, जो कुछ भी रहेगा, हम जरूर बच्चों के साथ जाके यहाँ पे उनसे बात करके, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके, उनके मन की भी बात जानने की कोशिश करेंगे। और जब मैंने उस सर से बात किया कि सर बच्चों को किस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जो हमसे हो सकेगा थोड़ा बहुत हम भी कोशिश करेंगे बच्चों लोग के लिए करने के लिए, तो उन्होंने मुझे सिंपल से बोला, सर कि हमें पैसा तो नहीं चाहिए, हम किसी से भी पैसा नहीं लेते, और हमारी यही एक अच्छी बात है, हम किसी को भी बोलते सर आप कुछ भी दे दो, वो भी कुछ महंगी चीजें नहीं, खाने पीने में राशन फ्रूट जो भी आपको देना है वो दे दो, बट महंगी चीज नहीं चाहिए हमें, और पैसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए सर। और मैं आपसे ये भी नहीं बोलता आप यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ लेके आओ, बस हम आपको यही चाहेंगे अगर आप यहाँ पे आने चाहते हो तो सिर्फ बच्चों को अपना समझ के आइए, ताकि बच्चे आपसे जुड़े, बच्चे को भी फील हो। और हम ये बच्चों को अनाथ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बच्चे का अनाथ नहीं है, जितने बच्चे यहाँ पे 43 बच्चे हैं वो अनाथ नहीं है गाइस, क्योंकि हम लोग उनके साथ खड़े हैं, हम उनके हैं, जो वहाँ पे सर है वो उनके हैं, तो हम लोग इतना अच्छे से उनको रखे हैं, इतना ख्याल करते हैं उनको, उनको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते कभी भी। ये सब जब बातें हम उनसे सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है गाइस, मुझे तो ऐसा मतलब मेरी आंख में पानी आ गया, मेरी पूरी फैमिली गई हुई थी, सब लोग ऐसे सुन रहे थे सर जब बता रहे थे सब चीजें उनको, तो हमें बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। और सर की बातें भी बहुत अच्छी लगी, सर ने जैसे बताया, सर ने अपनी स्ट्रगल की कहानी बताई, सर भी कैसे थे, उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके यहां तक आए, जब उन्होंने उसी जगह से आए हैं, और वैसे बच्चे को पालना, उनका ध्यान रखना, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना, आप खुद समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है। आज तक कोई भी हमारे घर में अगर कोई आता था, हम लोग 1-2 दिन में हम लोग को भारी लगने लगता, बट इतने बच्चों को पालना, उनकी ध्यान रखना, उनको खाना पीना कपड़ा हर चीज करना, और सारे बच्चों को एक जैसा रखना, सारे बच्चों को अच्छा संस्कार देना, ये तो गाइस मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं वर्ड में तो बता भी नहीं सकता, डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूं आपको। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं ये चीज कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जता रहा हूँ, बस मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि अगर ये वीडियो जितने लोग देखेंगे और उसमें से 5% लोग भी इस चीज से जुड़ेंगे, ऐसे बच्चों का ध्यान रखेंगे, तो बच्चे लोग का भला हो जाएगा। लोग जो फालतू पैसा वेस्ट करते वो नहीं करना चाहिए।